जेके बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट आपका रहेगा ज्योग्राफी, सेशन रहेगा 2024 से लेके 2025 तक। यानी जो स्टूडेंट्स इस बार 9th से 10th क्लास में प्रमोट हुए हैं उनके लिए ये वीडियो है बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में ना हम ज्योग्राफी बुक जो है आपकी एसएसटी में आपकी टोटल 4 बुक्स है जिनमें से एक है आपकी ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी बुक के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ज्योग्राफी बुक के बारे में बात करने वाले हैं इसका मतलब क्या होगा, देखो लास्ट वीडियो में जब हमने बात की थी ना कि हाउ टू स्टडी इन जेके बोर्ड क्लास 10th क्लास, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपने किसी सब्जेक्ट पे ना अच्छी कमांड लेनी है ना तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उस सब्जेक्ट की बुक जो है ना उसको आप डिटेल में मतलब एक बार समझ लो कि इस बुक की मेन थीम क्या है, इस बुक के जो चैप्टर्स है ना वो किसके अराउंड घूमने वाले हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे जिनकी वजह से आप अपने मतलब क्लास 10th में ना सुपीरियर बन सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां पे हमने बात की थी कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में अच्छी कमांड लेनी है तो बेटर ये है कि उस सब्जेक्ट की बुक को ना एक बार ध्यान से समझ लो। तो मैंने आपको ये बताया था कि जितनी भी बुक्स है उनकी मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन जो है वो लाऊंगा। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की, सिर्फ एक वर्ड ज्योग्राफी, मतलब जेके बोर्ड में क्लास 6th से एसएसटी स्टार्ट हो जाती है और ज्योग्राफी सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाता है क्लास 6th से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी जो वर्ड है ना उसका अपना क्या मीनिंग है। हम हमेशा ये पढ़ते आए हैं कि ज्योग्राफी है आगे उसके चैप्टर है, ज्योग्राफी सिर्फ एक सब्जेक्ट का नाम है और आगे उसके चैप्टर है, उस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम लर्न करते आए हैं। जी हाँ, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है लेकिन ज्योग्राफी अपने अंदर बहुत कुछ समाये हुए है। सिर्फ एक वर्ड ज्योग्राफी, मेरी बात सुनो कैसे, ये जो वर्ड ज्योग्राफी है ना ये सिंगल वर्ड नहीं है, ये दो वर्ड से मिलके हुए बना है। कौन कौन सा? जियो और ग्राफी। कौन कौन सा वर्ड? जियो और ग्राफी। जियो का मतलब आता है आपका अर्थ और ग्राफी का मीन आता है स्टडी, और अगर हम इनको कंबाइन कर देना, इन दोनों मीनिंग को कंबाइन करते तो मतलब आता है स्टडी ऑफ द अर्थ। तो अगर ज्योग्राफी का आपको कोई लिटरेट मीनिंग पूछे ना कि आपको कोई बोले कि हाँ भाई आपने क्लास 10th में हो, जी मैं क्लास 10th में, तो आपको एसएसटी होगी, जी हाँ, तो मेरे को ज्योग्राफी का मतलब समझा दो। फिर आप बोलते हो कि ज्योग्राफी में हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, बट ज्योग्राफी का लिटरेट मीन, व्हाट इज ज्योग्राफी, डिफाइन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज जियो एंड ग्राफी। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी, हेंस द कंबाइंड मीनिंग ऑफ वर्ड ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ द अर्थ। अब क्लास 10th की जो ज्योग्राफी है ना, क्लास 10th की जो ज्योग्राफी है वो कौन सी ज्योग्राफी है? जी हाँ, ज्योग्राफी की भी टाइप्स होती है। अब क्लास 10th में कौन सी ज्योग्राफी की बुक है जो हमने पढ़नी है, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया ना कि कौन सी बुक है ज्योग्राफी की, तब आपको चैप्टर समझना बहुत ईजी हो जाएगा। और मैंने आपको बोला था कि क्लास 10th में चैप्टर ही समझने हैं, क्वेश्चंस लर्न करनी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही लिखने पड़ेंगे, लेकिन कौन सा क्वेश्चन आ जाए कौन सा ना आए उस बात की कोई श्योरिटी नहीं होती। और आपने इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने, अगर हम एसएसटी को कंबाइन कर देना तो ज्योग्राफी के 5-6 चैप्टर, हिस्ट्री के इतने चैप्टर, सिविक्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, अराउंड 20 चैप्टर जो है वो बनते हैं, 20 चैप्टर के आसपास, एक दो शायद कम है या एक दो ज्यादा है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 20 आप मान के चलो। तो हर एक चैप्टर से ना 30-40 जो है वो क्वेश्चन निकलते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, कई बार क्या होता है 60-70 भी निकलते हैं जो बड़े चैप्टर से। अप्रोक्सीमेटली अगर हम 50 भी लगा के चले और 20 चैप्टर है तो टोटल हमारे 1000 क्वेश्चन होते हैं। अब ह्यूमन ब्रेन के लिए ये इजी नहीं है कि 1000 के 1000 क्वेश्चन रट्टा लगा ले,
क्योंकि आप मान लो 1000 क्वेश्चन आप रट्टा भी लगा लो, लेकिन और भी तो चैप्टर है, सब्जेक्ट है आपकी, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, फिर उनका क्या करोगे। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी बुक को समझो, आप अपने चैप्टर्स को समझो। चैप्टर्स हमारे बाद में आएंगे, लेकिन पहले आएगी हमारी बुक, तो बुक को समझते हैं। तो मैंने आपको बोला कि कौन सी बुक है आपकी क्लास टेंथ में ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी। अब एक चीज आती है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी का मीनिंग हमने समझ लिया, अब ह्यूमन ज्योग्राफी का मीनिंग क्या है। देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ना, वो ब्रांच है ज्योग्राफी की। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी की एक ब्रांच है जो क्या स्टडी करती है, रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड मैन। एक चीज ये स्टडी करती है, ध्यान से समझो, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ब्रांच है किसकी? ज्योग्राफी की, जो क्या स्टडी करती है, पहली चीज रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड मैन, अर्थ और मैन के बीच में क्या रिलेशन है, इस बात को स्टडी करती है। दूसरी चीज इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ या फिजिकल इन्वायरमेंट ऑन मैन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये दो चीजें जो है वो मेनली ह्यूमन ज्योग्राफी कंसर्न करती है, पहला रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड मैन, दूसरा इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ एंड फिजिकल इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हो, अब मेरी एक बात सुनो, हम नॉर्दर्न प्लेन में जहां पे जमीन फ्लैट है वहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा करते हैं, वहां पे इंडस्ट्री ज्यादा एस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन जो माउंटेनियस एरियाज है जहां पे जो ट्रैक है वो एरिड ट्रैक है और माउंटेनियस टेरेन है, वहां पे हम इतना ज्यादा एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाते और इंडस्ट्रीज भी ज्यादा नहीं है। अब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो इन्फ्लुएंस होगी किसकी वजह से? फिजिकल इन्वायरमेंट की वजह से, कि जहां पे इन्वायरमेंट जो है वो मतलब फ्लैट है, जहां पे सतह जो है वो फ्लैट है, वहां पे टेम्परेचर जो है वो सुटेबल है, वहां पे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी। लेकिन जहां पे जो टेम्परेचर है वो जहां बहुत ज्यादा हाई है जहां बहुत ज्यादा लो है, जहां पे टेरेन सरफेस है वहां पे हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कम होगी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी एक ब्रांच है ज्योग्राफी की जो रिलेशनशिप स्टडी करता है अर्थ एंड मैन में और इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ एंड फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज। अब एक और इसकी एग्जांपल आती है, देखो जहां पे ना जैसे दिल्ली है, महाराष्ट्र है, दिल्ली महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, यहां पे पॉपुलेशन आपने देखा होगा बहुत ही ज्यादा है, लेकिन आप चले जाओ मेघालय वाली साइड, मणिपुर वाली साइड, नागालैंड वाली साइड, सिक्किम वाली साइड, यहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहां पे ऐसी सॉइल पाई जाती है जहां पे एग्रीकल्चर हो पाए, वहां पे जो सरफेस है वो फ्लैट है, वहां पे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो जाए, इसलिए वहां पे जो पॉपुलेशन है वो हाई है। लेकिन मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, यहाँ पे जो क्लाइमेट है आपका, टेम्परेचर है, ये बहुत ज्यादा लो है, जहाँ पे बड़ी ज्यादा ठंड रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग जाने से कतराते हैं, यहाँ पे माउंटेनियस सरफेस है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाती। अब ये हो गया, आपको पता लग गया कि हमारी जो ज्योग्राफी है टेंथ क्लास में वो कौन सी है, ह्यूमन ज्योग्राफी। अब बात करेंगे कि टेंथ क्लास की जो ज्योग्राफी है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनके चैप्टर्स के बारे में क्या सिलेबस है, उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अब आपके ज्योग्राफी के सिलेबस के, क्लास टेंथ के। तो आपके 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर रिसोर्सेज। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, एक हल्का हल्का जो है वो ओवरव्यू ले लो। इस चैप्टर में आप पढ़ते हो जो अर्थ ने हमें रिसोर्स प्रोवाइड करवाया है ना, रिसोर्स क्या होते हैं, एनीथिंग विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। जो भी चीज हम अपने फायदे के लिए यूज करते हैं या अपनी नीड को, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। अब मेरे लिए इस टाइम पे रिसोर्स क्या है, ये व्हाइट बोर्ड,
ये मेरे लिए रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि इससे मैं अपनी जरूरत पूरी कर रहा हूँ, मैं इस पर अपना जो भी चीज़ें हैं वो इस पर लिख रहा हूँ। ये मार्कर, ये मेरे लिए रिसोर्स है। ये मोबाइल फ़ोन जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे लिए रिसोर्स है। आपके लिए क्या रिसोर्स है? आपके लिए ये मोबाइल फ़ोन जिसके आप ये वीडियो देख रहे हो और नॉलेज गेन कर रहे हो, ये आपके लिए रिसोर्स है। अगर आपने कोई पेन अपने पास रखा है, लिख रहे हो, वो पेन और कॉपी आपके लिए रिसोर्स है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारे रिसोर्स है। अब क्या हमें वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा? बिल्कुल भी नहीं। इस चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया? ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है जिन रिसोर्सेज की वजह से ह्यूमन लाइफ इफेक्ट होती है। जैसे सॉइल आ गई, सॉइल इज ऑल्सो रिसोर्स। वाई? क्योंकि सॉइल में हम एग्रीकल्चर करते हैं और उससे ह्यूमन लाइफ किस तरह से इफेक्ट होती है। जो सॉइल एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल होगी, वहां पे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, वहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लोग ज्यादा आके वहां पे रहना पसंद करेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर आता है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में आप क्या पढ़ोगे? खेती बाड़ी के बारे में, कि भारत में कौन कौन से सीजन पाए जाते हैं, कौन कौन सी टाइप्स पाई जाती है हर एक की क्रॉपिंग के लिए। जैसे शुगर केन आ गया, वीट आ गई, राइस आ गई, इसके लिए क्या क्या सुटेबल चीजें हमें चाहिए, ये सारा आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। और इनका ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, एग्रीकल्चर का भारत देश की जीडीपी पे क्या असर जो है वो पड़ रहा है, ये सारा आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। उसके बाद मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, भाई भारत में कौन कौन सी प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे मिनरल पाए जाते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कोल कहाँ पे पाए जाते हैं। और अगर जिस प्लेसेस पे मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश क्यों होती है, वहाँ पे ज़्यादा लोग आके क्यों रहना पसंद करते हैं, ये सारा आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, कोल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, ये सारा आप इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करोगे। उसके बाद लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की लाइफलाइंस क्या है, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने ना आज नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, तो ये आप पढ़ोगे इस चैप्टर में। तो ये आ गया हर एक चैप्टर का हल्का हल्का सा ओवरव्यू। आने वाले वीडियोस में हम हर एक चैप्टर के मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अगर नोट्स आपको चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप पर फॉलो कर लो, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वीडियो की। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में इतना सा बता दिया करो कि हम इस क्लास के हैं, हमें ये वाली चीज़ें चाहिए, हमने व्हाट्सएप चैनल जो है उसको फॉलो किया हुआ, तो मैं व्हाट्सएप पर वो चीज़ें भेज दूंगा, आप उसको कॉपी कर लेना। आने वाले वीडियोस में हमें हर एक चैप्टर की डिटेल में एनालिसिस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, और बोर्ड एग्जाम में हर एक आंसर को, चाहे वो वेरी शॉर्ट निकल रहा है उस चैप्टर से, शॉर्ट निकल रहा है, लॉन्ग निकल रहा है, बोर्ड एग्जाम में उसको किस तरह से राइट करना है और राइटिंग फॉर्मेट क्या रहेगा हर एक चैप्टर में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।